मुफ्ती साहब, कुर्सी है ये आपका जनाजा तो नहीं है? कुर्सी है ये आपका जनाजा तो नहीं है? कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मंगल के दिन हम लोगों ने शेख आसिफ साहब की हिदायत पर, उनकी रहनुमाई में, उनके लेटर पे एक लेटर दिया था यहाँ पर, और कब्रस्तान के सामने हमने आंदोलन किया था कि पेशवर का ख़राब हो रहा है और कहीं कहीं नहीं हो रहा है, इसके लिए कमिश्नर ने ध्यान देना चाहिए। और उसके दूसरे दिन हमारी बात पर, शेख आसिफ साहब के लेटर पर तवज्जो देते हुए, दूसरे दिन कमिश्नर ने वहाँ पर दौरा किया और वो सब काम काज अच्छी क्वालिटी का शुरू किया, इसके लिए हम लोग उसका आभार मानने आए हैं। जहाँ पर गलत काम होगा वहाँ हम सख्ती से और ताकत से विरोध करेंगे, और वाकई कोई सच्चा और अच्छा काम करेगा तो हम उसकी सताइश भी करेंगे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर आगे भी किसी तरीके की जातिवाद, किसी की तरीके की फिरका परस्ती, किसी तरीके की जानिबदारी न करते हुए इसी तरह से काम करें। और अगर वो गलत काम करेंगे हम टीका करते रहेंगे, ऐसे अच्छी काम करेंगे अगर वो, तो आज हमने उनको एक लेटर दिया, आभार पत्र दिया उनको, और उम्मीद है कि और अच्छे ढंग से उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि कब्रस्तान के आसपास लाइटिंग का जो इंतज़ाम है पहले से बेहतर करेंगे, पानी का ना हम अच्छी तरह से करेंगे। पेशवर को तो उन्होंने ताबड़तोड़ शुरू कर दिया है, जो अतिक्रमण वगैरह सभी बारात के ताल्लुक से वो निकालेंगे, और साफ सफाई जो कुछ भी सहूलियात है उन्होंने हमको पूरा भरोसा दिलाया। और शिया कब्रस्तान के पीछे, मैं समझता हूँ शिया कब्रस्तान के पीछे का जो रोड है वो रोड इतना खस्ता है, अगर कब्रस्तान और शबे बारात की बात आती है तो वो भी नज़र में रखना चाहिए। इतना ख़राब रोड, इतना ख़राब रोड, हालांकि गेट तो इतना अच्छा बना दिया है वहाँ पे, वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं ना, उस तरीके से उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस वार्ड के कारपोरेटर को, उस तरफ रहने वाले बड़े बड़े, उस रोड पर रहने वाले बड़े बड़े लीडरान को, और आज कानूनी तौर पर जिनकी जिम्मेदारी है एमएलए साहब को, इसका ध्यान देना चाहिए। वैसे हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया है कि वो भी कब्रस्तान है उसके पीछे की रोड की भी दुरुस्ती की जाए। एमएलए की लापरवाही को कब तक शहर बताएगा? शहर को आँख खोलना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये समझते हैं कि शहर को कुछ नहीं समझता। आगे आने वाले दौर में शहर हमारा बहुत बेदार, और ख़ासतौर से सियासी शऊर बहुत है हमारे शहरियों को, वो सब देख रही है कि आज कानूनी तौर पर सिर्फ उनके पास ही होता है, किसी के पास कुछ नहीं है, हर चीज़ की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो जो समझ रहे हैं वो न करते हुए हमारे बेदार आवाम, सियासी शऊर रखने वाली हमारी आवाम, उनको ज़रूर बज़रूर घर बैठा देंगे, ये हमारा पूरा पूरा भरोसा है। कल एक अहम मीटिंग कब्रस्तान में, एमएलए की भी जिम्मेदारी रहती है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जो भी कमी पेशी बताना चाहिए, लेकिन वो बेफिक्र होकर आराम करते हैं। एमएलए साहब कहीं किसी भी किस्म के कोई भी सामाजिक काम में, किसी भी मजहबी काम में, किसी भी सामाजिक काम में नहीं आते हैं। उसकी कई मिसालें मैं दूँ आपको कि जब कभी भी अहम मीटिंग विधानसभा में जब असेंबली चालू रहती है, अहम अहम मौके पर वो नहीं रहते हैं। असेंबली में जब कभी भी बुनकरों के ताल्लुक से कोई बात आती है तो दूसरे जो है अबू आसिम और बाहर के जो एमएलए शेख रईस वगैरह वही बोलते हैं, और ये वहाँ पर नहीं बोलते, वो बाहर आके मीडिया में बोलते हैं। मीडिया में यूट्यूब पर, टीवी चैनल पर तो आम पब्लिक भी कर सकती है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी जहाँ पर रहनुमा बनाकर, उनको कायद बनाकर भेजा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, असेंबली का एमएलए बनाया गया, किसी भी किस्म का बुनकरों के ताल्लुक से, बिजली के ताल्लुक से, किसी भी चीज़ के ताल्लुक से वो वहाँ नहीं बोलते। हर तरीके से, हर टाइम, हर मुकाम पर वो एकदम नाअहल हैं, उनको किसी किस्म का सियासी शऊर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई अगर आदमी कोई भी चीज़ अगर छोड़ना था तो छोड़ देता है, सिर्फ जनाजे के उस पे से नहीं उतर सकता आदमी, क्योंकि मुर्दा हो चुका रहता है। तो मैं वही कहता हूँ।